नमस्कार मित्रों, अ वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। टुडे वंस अगेन आई एम हियर विद दिस थर्ड वीडियो ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई थ्योरी ऑफ किन्सिन थ्योरी, दैट इज नोन एज किन्सिन थ्योरी। जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट द ग्रेट इकोनॉमिस्ट किन्स हैज फोकस्ड ऑन डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड हिज सजेशन टू recover the economy, that we are talking about. When I am talking about the recovery of the economy, that I mean that recovery of the US economy, which was suffering from recession, economic recession, and same, not almost same, but it is just near to that. The Indian economy is also facing a lot of problem, not exactly right like recession of America, but certainly there are some glimpses of such kind of recession. Actually, here also that demand is less, at the same time supply is also going to affect because of lockdown and etc. etc. So it is a great panic situation, panicful situation. But here there is not a much failure of the government, but what I in my perception, it is a because of the disease. Government is trying its best, infrastructure is doing well. Yes, of course, many sectors because of lockdown they are low, and cyclic fluctuations in the economy is a well known fact. Okay, चलिए हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम बात करते हैं, अभी तक हम थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाते हैं बच्चों, लेकिन आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना ही आप न्यूज़ चैनल सुनेंगे देखेंगे तो आपका सोचने का तरीके में विस्तार होगा और आपका सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि किन्स ने किन परिस्थितियों में एग्रीगेट डिमांड को बेस माना, कि अमेरिकन रिसेशन को जो इक्विलिब्रियम इनकम को प्राप्त करने की जो चाहत है, द लेवल ऑफ इनकम विच इकोनॉमी रिक्वायर्स, दैट लेवल ऑफ इनकम इफ अमेरिकन इकोनॉमी हैड टू अचीव, देन इट हैज़ टू रिलाई ऑन डिमांड साइड, ओके, और नॉट ऑन द सप्लाई। एंड वी फर्दर वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियोज इन प्रीवियस डिस्कशंस दैट एग्रीगेट डिमांड, अब तक तो ये समझ में आ गया कि हाँ यस, एग्रीगेट डिमांड एक रीजन हो सकता है इकोनॉमी को बचाने के लिए, रिसेशन से फ्री करने के लिए। बट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, वी हैव आल्सो सीन दैट एग्रीगेट डिमांड इज अ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर जो किए जाते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स। ये जितने भी ये डिमांड हैं एक्सपेंडिचर, तो ये एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा होंगे। ये तो हमको समझ में आ गया। इसके बाद हमने चर्चा किया ओपन इकोनॉमी की बात और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात, और हमने वहाँ आपसे चर्चा किया था कि व्हेन वी इंक्लूड नेट एक्सपोर्ट्स देन आवर इकोनॉमी बिकम्स द ओपन इकोनॉमी। और हमने बताया था कि सिंस इन आवर सिलेबस कन्फाइंड ओनली टू टू सेक्टर मॉडल, एंड इट इज़ अ ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज़ अ फोर सेक्टर मॉडल, ओके, सो ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो ये हमारा अब तक कन्फाइंड हो गया कि हमने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या हैं, सी और आई हैं। एंड देन फर्दर वी सॉ दैट एग्रीगेट डिमांड, जैसा कि हम स्क्रीन से भी दिखा सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई होता है, तो सी का नेचर क्या है, हमने बताया सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और सी उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ द ऑटोनोमस कंजम्पशन सी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जैसा कि देख सकते हैं सी कर्व जो है वो ऊपर से डॉटेड लाइन ऊपर से है, और सी बार जो है एक बार फिर दिखा देता हूँ, मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको, सी बार ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये डॉटेड लाइन ओ आर जो है वो आई है, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ए डी देख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब ए डी एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हो गए सी प्लस आई। और इसके बाद हमने एग्रीगेट सप्लाई की ओर देखा, और हमने बात किया कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व
एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और एग्रीगेट सप्लाई फिजिकल टर्म्स में है, और मॉनेटरी टर्म में हम जब इसको एक्सप्रेस करते हैं, मॉनेटरी टर्म में जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो इनकम हो जाता है। तो इनकम के दो कंपोनेंट होते हैं, या तो इनकम को सेव किया जाए या तो इसको कंज्यूम किया जाए। तो वाई इजकल टू सी प्लस एस, तो इसलिए हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाई इजकल टू सी प्लस एस वाई, और ये ए एस, ये दोनों होते हैं। ये 45 डिग्री लाइन पर ही होता है। ये क्यों होता है 45 डिग्री लाइन पर, उसकी व्याख्या भी हमने कहा, इसका मैंने इस पिछले वीडियो में इसके लिंक भी दे दिए थे। इसको ये 45 डिग्री का लाइन 45 डिग्री पे ही ये क्यों ड्रॉ किया जाता है, आज हम उस लिंक को देख लीजिएगा, हम ज़्यादा एलोबरेट नहीं करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड फर्दर, और आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन के ऊपर। हम नाउ वी आर गोइंग टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन कंजम्पशन, और जैसा कि आप जानते हैं कि कंजम्पशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केन्सियन थ्योरी में। कंजम्पशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, प्ले करता है केन्सियन थ्योरी में। जैसा कि एग्रीगेट डिमांड, डिमांड में कहीं ना कहीं कंजम्पशन की बात होती है ना बेटा, डिमांड में। ओके, सो डियर फ्रेंड्स ऑफ 21-22 बैच, यू नीड टू फोकस मोर डियर, पंक्चुअलिटी गिव्स द सक्सेस। अभी मैं कल एक स्टोरी पढ़ा था कि पांच जो तीन बहनें थीं वो 5 साल की उम्र के बाद कभी वो स्कूल नहीं गई, और वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में उनका सिलेक्शन हुआ। तो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, पढ़ना कोई चाहता है तो उसको कोई बाधा नहीं आएगी। बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करते हैं, तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तीव्रता, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब उपभोग की तीव्रता क्या, उसकी तेजी क्या, उस तेजी के बारे में हम विचार करेंगे, उसकी प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, कि उपभोग का जो की जो टेंडेंसी, उपभोग करने की टेंडेंसी है वो कैसी है, और उसके बारे में हम कंजम्पशन फंक्शन के माध्यम से विचार करेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इनकम, किसका, पोर्शन ऑफ इनकम, अंडरलाइन करेंगे पोर्शन ऑफ इनकम को, विच इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स के परचेज के ऊपर खर्च करता है। कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आय का वह हिस्सा है जो कि गुड्स के ऊपर खर्च किया जाता है। इनकम का वह हिस्सा है जो कि गुड्स को कंजम्पशन करने के लिए, उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए खर्च किया जाता है। ठीक है, और गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक निश्चित आय पर ही ऐसा होता है। कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, तो जब भी फंक्शनल रिलेशनशिप होगा बीच में इक्वल टू का साइन आ जाता है, तो सी इज अ, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब सी फंक्शन करता है वाई के फंक्शन करने पर। इसको मतलब सामान्य शब्द में कहा जाए, सी फंक्शंस व्हेन वाई फंक्शन। ठीक है, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, मतलब सी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वाई के ऊपर, मतलब वाई में होने वाला कोई भी परिवर्तन, इनकम में होने वाला कोई परिवर्तन कंजम्पशन में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, ओके, अब ये डायरेक्ट परिवर्तन लाएगा ये भी देखना है, ये नहीं बता रहा है कि इक्वल अमाउंट में लाएगा, कम लाएगा, मतलब धीरे धीरे लाएगा, ये नहीं बता, बस लाएगा, बस इतना काम। जहाँ पर सी क्या है, सॉरी कंजम्पशन है, वाई क्या है, नेशनल इनकम है, और एफ क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। नाउ फर्दर विल रीड, कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, क्या है, इच्छा शक्ति, विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो ये पहला पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन के बारे में, कि कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड, उनकी उसकी इच्छा, किस बात की इच्छा भाई, टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक निश्चित आय पर, ठीक है, निश्चित समय बद्धता में, और ये कितना कंजम्पशन करता है, कितना कंज्यूम कर जाता है। इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, इनकम ये भी बात को बताता है, इस बात को भी बताता है कि अलग अलग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन का लेवल क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंजम्पशन वाई जब बदलेगा, अभी हम देखेंगे डायग्राम, ये टेबल के माध्यम से भी और क्लियरिटी आएगी आपको। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, कैसा है, मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है, मतलब मन का विज्ञान है इसमें, और मन अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइप का मन होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है,
कोई गिलास को आधा खाली कहता है तो कोई आधा भरा कहता है, जबकि गिलास में पानी की स्थिति एक ही बनी हुई है। तो ये मन की अलग अलग दशा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इट इज़ ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कंजम्पशन क्या है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्टिव फैक्टर्स, मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसके वेरीड रीजन्स आर देयर, लाइक कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज, कंज्यूमर को प्रेफरेंस, किसी को समोसा अच्छा लग सकता है, किसी को रसोगुल्ला अच्छा लग सकता है, ओके। एंड हैबिट्स, आदतें भी, ओके, आदतें भी हमारे कंजम्पशन के पैटर्न को बनाती हैं और उसमें तीव्रता लाती हैं, उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। अब इस देखिए इसको दो तरीके से, पहला तो आप डायग्राम से देख सकते हैं, दूसरा टेबल से। डायग्राम में देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने कंजम्पशन लिया हुआ है। जैसा कि जानते हैं कंजम्पशन का जो इक्वेशन है सी, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ सी। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, हाँ, ई से पहले सी कंजम्पशन का हिस्सा और फिर सी, दोनों मिला के सी सी कर्व है, ये कंजम्पशन कर्व को दिखाता है, ओके। कंजम्पशन कर्व ये ओ सी मतलब ऊपर वाई से, वाई जीरो से नहीं स्टार्ट होता है, ये ओ सी का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, एरिया दिखाई दे रहा है, वो सी बार है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, कंजम्पशन कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओ ओरिजिन, ओके, ये ऊपर से दिखाई देता है। और 45 डिग्री पर जो कर्व है वो इनकम की लाइन है, जो कि आप देख चुके हैं ए एस इजिकल टू वाई, ओके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ई से पहले कंजम्पशन ज़्यादा है और ई के बाद इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। और जहाँ सी और वाई लाइन कंजम्पशन और इनकम लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इवेंटी जो है ब्रेक हो जाती है। इवेंटी क्या थी कि कंजम्पशन ज़्यादा था और इनकम कम था, वो ब्रेक हो गया जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को हमने नाम दिया ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर सेविंग क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है और c और y बराबर हो जाएंगे इक्वेशन में, तो s क्या होगा, बेचारे को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम और भी इलाबोरेट करेंगे जब हम इसको डायग्राम से आपको पढ़ाएंगे, ओके। तो अब हम आगे देखते हैं, इसको हम टेबल के माध्यम से देखते हैं, ओके। तो आप टेबल के माध्यम से देखेंगे, देखिए आपके टेबल में दिया हुआ है इनकम लिया गया है, इनकम इज ऑल्सो वी हैव टेकन, कंजम्पशन शेड्यूल जिसको कहते हैं, और कंजम्पशन सी दिया हुआ है। अब देखिए वाई जीरो है और ये कंजम्पशन 40, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, वाई जीरो लेवल पर इनकम देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा ही होगा, क्योंकि व्यक्ति अपने पास इनकम से सर्वाइव कर सकता है या किसी से बोरो कर सकता है, बट इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज़ अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो ये क्या है, 40 होगा, ओके। मैंने बहुत बार रिपीट किया है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है, जीरो टू हंड्रेड, हंड्रेड टू टू हंड्रेड, टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड, थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड, सिक्स हंड्रेड, ये जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है अपना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 40, 120, 200, 280, 360, तो ये बढ़ता जाता है। और इस ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस का स्केल बराबर होता है। अगर जीरो से हंड्रेड तक का स्पेस है, हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो वाई एक्सिस पे भी उतना ही लेना पड़ेगा। देन इट इज़ द शोइंग द इक्वलिटी बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसका मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वाई 45, इंपॉर्टेंस ऑफ 45 डिग्री। अब हम देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। अब इससे क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है जो हमने बोला, और इसके बाद आप इसको और भी ध्यान दें ताकि एलोबरेट किया जा सके, ओके। इसको मैंने एक साइड कर दिया, ओके, रिकॉर्डिंग को। चलिए तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व, ओके। कंजम्पशन कर्व सी सी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे से स्टार्ट होता है। क्यों होता है, इसलिए कि ऑटोनोमस कंजम्पशन से। दिस इंप्लाइज दैट देर इज अ ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार ऑफ ओ सी इवन वेन देर इज ए नेशनल इनकम जीरो, इसी की बात हो रही है, इसी सी बार की बात हो रही है, ध्यान से। जब नेशनल इनकम जीरो है तब भी देर इज अ सम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन दैट इज सी बार, इसलिए ओ सी का डिस्टेंस दिखाया गया है, ओके। ये हमारा पहला पॉइंट है जिसको मैंने पिछले हर वीडियो में चर्चा किया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। अब कंजम्पशन कर्व का स्लोप, इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए, यहाँ पर
सी सी हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, क्यों पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि इनकम के साथ वो कंजम्पशन बढ़ता जाता है, तो सी हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप विच इंडिकेट्स दैट एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो राइजेज, जैसे इनकम बढ़ता जाता है कंजम्पशन बढ़ता जाता है, हाउ एवर प्रोपोर्शनेट राइज इन कंजम्पशन इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट राइज इन इनकम एज पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड, लेकिन जिस अनुपात में इनकम बढ़ता है उस अनुपात में कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति जब एक लेवल ऑफ इनकम में आ जाता है, व्हेन ही रीचेस टू द लेवल ऑफ इनकम ही इज नॉट सपोज टू मेक एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, वो सब कुछ जो है उसको खर्च नहीं करता है, जैसे एक रिक्शा वाला का मैंने एग्जांपल लिया था आपको कि अगर वो एक दिन में 100 रुपये कमाता है, ठीक है, और इसके बाद 2 साल बाद या 1 साल बाद कह लो या 6 महीने बाद बोलो उसके पास 3 रिक्शे हो जाते हैं और वो 5,000 रुपया डेली कमाता है, तो वो अपने 5,000 रुपये को पूरा कंजम्पशन नहीं करेगा, वो उसका कुछ हिस्सा बचा लेगा क्योंकि वो एक लेवल ऑफ इनकम पर वो आ चुका है, ओके, उसकी एक लाइफ स्टाइल हो गई है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, ओके, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन दैट इज एट इनकम लेस देन ओएम, अब इसको देखिए ग्राफ में हमने दिखा दूँ इसको कि इनकम लेस देन कंजम्पशन, देखो ओई है ना, ये ओ वाई जो है ओई पॉइंट तक अगर देखें दैट इज द ई इज ए ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखिए ध्यान से स्क्रीन पर मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इज अ ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिखा दूँ, ई इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले बिफोर दैट कंजम्पशन इज मोर, देख लीजिए ओ सी से क्लियर है, हाँ सी कंजम्पशन कर का छोटा सा पार्ट, तो ये कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है, जब कंजम्पशन ज़्यादा हो इनकम कम हो तो उससे कुछ जो ट्रायंगुलर एरिया से रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज कॉल्ड डिस सेविंग, मतलब यहाँ पर सेविंग क्या है, माइनस है, निगेटिव है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ओके, तो यहाँ पर सी ज़्यादा हो गया, सी की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, एस की वैल्यू तो निगेटिव हो ही जाएगी ना, ओके, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो वाई को मान लो आप 5 है और सी ज़्यादा है तो सी को मान लो 10 है, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो 5 इज इक्वल टू 10 प्लस एस, तो एस की वैल्यू क्या होगा, इसको ट्रांसफ़र करते हैं उधर, ट्रांसपोजिशन जब करेंगे तो 5 - 10 इज इक्वल टू -5, तो जो ये क्या हो गया, डिस सेविंग हो गया, यहाँ सेविंग निगेटिव है। अब इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है जिसमें हम दिखाऊंगा आपको, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, ओके, अब इसको डायग्राम से ओएम से दिखाया गया है एंड लेस देन ₹200 करोड़ टेबल के माध्यम से दिखाया गया है, द गैप इज कवर्ड बाई डिस सेविंग दैट इज बाय यूटिलाइजिंग द प्रीवियस सेविंग, ठीक है, अपने प्रीवियस सेविंग से काम चलेगा इसी स्थिति में, दैट इज सी ओ ई रिप्रेजेंट डिस सेविंग, अब ये सी ओ ई आपने देख लिया, ये सी ओ ई सी ओ ई, ओके, डिस सेविंग, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है 100, 120 ये डिस सेविंग का एरिया बन रहा है, 200, 200 ये देखिए बराबर हो गया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, सी और वाई बराबर हो गए तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा हो जाएगा और कंजम्पशन कम हो जाएगा, देख लीजिए डायग्राम से देख लीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट ई था मैंने पहले बताया, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ई वाई का जो एरिया है और ई सी कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व इज बिलो ई वाई दैट इज़ अ इनकम कर्व, तो क्या होगा, सेविंग का एरिया हो जाएगा वो, तो हम आगे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या कहता है, एलिबेट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट सी इज इक्वल टू वाई एट ओ एम लेवल ऑफ इनकम एज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट ई, इस पॉइंट ई की बात हो रही है, ओ एम लेवल ऑफ इनकम, इनकम हमने एक्स एक्सिस पर लिया है, ओके, ध्यान से पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा, एट ओ एम लेवल ऑफ इनकम एज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट ई कंजम्पशन बिकम्स इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज जीरो, ओके, कंजम्पशन किसके बराबर होता है, इनकम के बराबर हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, सेविंग जीरो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, तो वाई इज इक्वल टू सी की जगह वाई रख दो, वाई मान लो 5 है तो सी भी 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस एस, तो एस क्या हो गया, 5 - 5 इज इक्वल टू जीरो, वही चीज़ हो गया, न्यूमेरिकली हमने बता दिया, द पॉइंट ई इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट, पॉइंट ई क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ओके, ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स करस्पॉन्डिंग टू द इनकम ऑफ ₹200 करोड़, अब यहाँ देखो ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया, ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द पॉइंट एट विच कंजम्पशन इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एट दैट पॉइंट सेविंग इज जीरो, ओके, तो इस लेवल पर सेविंग क्या होगा,
जीरो होगा। इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, अब इनकम ज़्यादा होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एट पॉइंट टू द राइट ऑफ पॉइंट ई इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, इसी पॉइंट को बताया जा रहा है कि ई पॉइंट के राइट साइड इनकम ज़्यादा है, मतलब ए ई वाई का जो एरिया है ई वाई ऊपर है और ई सी नीचे है, मतलब ई वाई हर एक पॉइंट पर ई वाई के इनकम ज़्यादा होगा और कंजम्पशन कम होगा। ठीक है, चलिए, तो एट पॉइंट टू द राइट ऑफ ई इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, एक्सेस ऑफ इनकम लीड्स टू सेविंग। जब इनकम ज़्यादा होगा कंजम्पशन कम होगा, तो निश्चित रूप से सेविंग होगा भाई, बाकी क्योंकि इनकम के दो ही यूजेस हैं, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग। द गैप बिटवीन द 45 डिग्री लाइन एंड सी सी लाइन, कंजम्पशन कर्व लाइन आफ्टर पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव सेविंग। 45 डिग्री लाइन इज सिग्निफिकेंट एज इंडिकेट्स वेदर कंजम्पशन स्पेंडिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। द 45 डिग्री लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज 45 डिग्री लाइन सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंडिकेट्स वेदर कंजम्पशन स्पेंडिंग इज इक्वल। ठीक है, इक्वल, देखो यहाँ पर ई पॉइंट क्या है, कंजम्पशन सेविंग इज इक्वल, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। ओके, लेस मतलब कंजम्पशन लेस है वो किधर जाएगा, ई सी पॉइंट की बात हो रही, ई सी लाइन पर। कंजम्पशन इज मोर सी ई की तरफ। ओके, तो मतलब डिस सेविंग एंड सेविंग की तरफ, इसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है। 45 डिग्री लाइन सिग्निफिकेंट एज इट इंडिकेट्स वेदर कंजम्पशन स्पेंडिंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम देख लेते हैं किन्सियन साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है। कंजम्पशन फंक्शन इज बेस्ड ऑन किन्स फेमस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ मिनिमम कंजम्पशन, ये सी बार की बात हो गई, नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन इवन एट द जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। बिल्कुल बात सही लगती है। एज द इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ये भी बात। नेक्स्ट, इनकम राइजेस एट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन, मतलब इनकम के बढ़ने का जो रेट होता है कंजम्पशन के बढ़ने के रेट से ज़्यादा होता है। इनकम ज़्यादा बढ़ता है कंजम्पशन कम बढ़ता है। डोंट कन्फ्यूज कंजम्पशन विद अ कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन को कंजम्पशन फंक्शन से कन्फ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना भाई? कंजम्पशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। दोबारा पढ़ रहा हूँ, कंजम्पशन किस बात को इंडिकेट करता है? अमाउंट ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम की मात्रा विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि वस्तुओं और सेवाओं को परचेज करने में लगाई गई है एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक निश्चित आय पर। तो समझ में आया। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है? फंक्शन, ध्यान रहना फंक्शन है, वहाँ एक कंजम्पशन है केवल। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है? रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट ए वेरियस लेवल ऑफ इनकम। ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट डज कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स, इट इज अ शेड्यूल, ये शेड्यूल को बताता है, शोइंग क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट अ वेरियस लेवल ऑफ इनकम। जब इस तरह का जब होगा, जब फंक्शन वाली बात होगी तो वहाँ शेड्यूल वर्ड यूज होगा। तो कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग द ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देना। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द शेड्यूल, अंडरलाइन करना, शेड्यूल को अंडरलाइन कर लेंगे, एक पॉइंट बना था, क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन द अदर हैंड कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू द शेड्यूल शोइंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। ओके, एंड देन नेक्स्ट आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। टाइप क्या, उसके प्रकार कौन कौन से हैं? ओके, तो आपके पास दो प्रकार होते हैं, एपीसी और एमपीसी। शॉर्ट में एपीसी इक्वल टू कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप है, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम का रिलेशनशिप है। ओके, सो हम लोग इसके बारे में अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।